हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए क्विक सी रेसिपी। और जब आपके पास कुछ सब्जी नहीं रखी हो, खाली प्याज टमाटर हो, तब हम ये बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है। और इसके लिए आपको प्याज टमाटर, आप क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, बिना क्रीम के यूज़ के भी कर सकते हैं, और अगर क्रीम नहीं है तो मलाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको बिना क्रीम के बनाएंगे तो वैसे हमारे पहाड़ में इसको प्याज का भुट्टा बोलते हैं इस रेसिपी को, बट इसमें अगर आप क्रीम ऐड करेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, उसके बाद हींग जीरा ऐड कर दिया है उसमें, और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना आप। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, जब कोई भी सब्ज़ी ना हो ना तब इसे एक बार बना के आप खा के देखना, पराठों के साथ बहुत टेस्टी होती है। अब हमने इसमें प्याज डाल दिया है तो इसको पहले हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर चला लेंगे जब तक कि प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते। पहले ही मैं रेसिपी बिना क्रीम के बनाती थी, बिना मलाई के, बट अब क्या है कि हम लोग तो खाते हैं, हम तो थोड़ा चटपटा खाते हैं, फिर बच्चों के उससे मैं इस बार मैंने इसमें क्रीम ऐड करके देखी तो ये क्रीम से बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर क्रीम ना हो तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और अब मैं थोड़ा सा इसे चला लूँगी और इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक के साथ साथ मैं बाकी मसाले भी ऐड कर लूँगी। मैंने पहले नमक ऐड करा है, अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, और अब मैं डालूँगी इसमें, अब मिर्च के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। और इसमें मसाले भी ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, बस जो रेगुलर मसाले हम यूज़ करते हैं घर में सिर्फ वो ही चाहिए होते हैं। जब कोई मेहमान आए और नाश्ते में आपके पास कुछ ना हो तो बस आप ये रेसिपी बना के एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे मसालों को। अभी टमाटर थोड़े से रह गए हैं, थोड़े से चलाने के बाद मैं इसे थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, अगर आपके पास धनिया ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर इसमें बिल्कुल घुले हुए अच्छे लगते हैं, थोड़े से मुंह में आते हैं तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है, थोड़े से मोटे मोटे टमाटर ही काटे हैं। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी, आप क्रीम की जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसे थोड़ा सा चला लेंगे।
थोड़ी सी क्रीम और ऐड करूंगी मैं इसमें। अब मैं इसे टिफिन में पैक कर रही हूँ हस्बैंड के। और उसके बाद हम इसे क्रीम से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।